नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने वाली है मौर्य डायनेस्टी के सिल्वर कॉइन्स के बारे में, जिनको दोस्तों पंचमार्क कहा जाता है। इस पर आप देख सकते हो दोस्तों, अलग अलग तरह की बहुत सारी मार्किंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार है, यहाँ पे एलिफेंट टाइप का कुछ बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है, यहाँ पर एरो बने हैं, बीच में स्टार है, चारों तरफ एरो है दोस्तों। इस पे बहुत अलग अलग तरह की पंचिंग होती है और बैक साइड पे भी दोस्तों इस पे अलग अलग तरह की मार्किंग और पंचिंग होती है। पीछे की तरफ से दोस्तों थोड़ा सा इस पे डस्ट है। तो ये दोस्तों बेसिकली जो सिक्के बनाए गए थे, ये मौर्य डायनेस्टी के समय में बनाए गए थे और 200 से 300 BC के आसपास ये दोस्तों बनाए गए थे, यानी करीब 2200 साल पुराने ये सिक्के हैं दोस्तों। अगर आप इस सिक्के की बात करोगे तो दोस्तों इस पे देखिए, पीछे की तरफ एक खरगोश टाइप का कुछ बना हुआ है, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, सूर्य, और यहाँ पर भी दोस्तों कुछ पत्ती टाइप की बनी हुई है। बैक साइड में देखोगे तो दोस्तों इस बैक साइड में भी काफ़ी अलग अलग तरह की पंचिंग है। पीछे देख सकते हो एक फिश बनी हुई है और भी इस पे 3-4 अलग अलग तरह की मार्किंग हुई है दोस्तों। अब ये सिक्का जो दोस्तों अगर आप देखोगे तो दोस्तों स्क्वायर टाइप का सिक्का है, लेकिन इस कॉर्नर यहाँ से कट है। तो पंचमार्क में दोस्तों बहुत सारी वैरायटी आती है, इसमें राउंड शेप में सिक्के आते हैं और जिनका कॉर्नर कट होता है वो भी आते हैं, और एक प्रॉपर स्क्वायर टाइप के भी आते हैं। जैसे कि ये सिक्का दोस्तों, ये प्रॉपर स्क्वायर टाइप का है और इस पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो ये मार्किंग है सिक्के पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ जो सिक्के पे मार्किंग है दोस्तों, ये उस तरह की मार्किंग है दोस्तों, जो 1/8 किशनपन जो कॉइन आता है वो सेम इसी तरह का होता है सिक्का। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई जानवर बना हुआ है। इस पे अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों, किसी में खरगोश होता है, किसी में मैन वुमैन एक साथ होते हैं, और किसी में एलिफेंट बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो बने हुए हैं। तो दोस्तों इस पे बहुत अलग अलग तरह की पंचिंग होती थी, इसलिए इनको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो, पीछे की तरफ भी एक मार्क दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप ये सिक्का देखेंगे तो दोस्तों इस पे भी देखो, फ्रंट की साइड दोस्तों काफ़ी अलग अलग तरह की मार्किंग दी हुई है। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो दोस्तों इस पे यहाँ पर देखोगे आप 3 मैन बने हुए हैं, आगे वाला थोड़ा सा घिसा हुआ है, बीच वाला क्लियर दिख रहा है और एक पीछे की तरफ है। तो इस सिक्के पे पंचमार्क पे दोस्तों पीछे की तरफ 3 मैन बने हुए हैं और इनकी दोस्तों प्राइजिंग भी अलग अलग होती है। जो छोटा वाला आता है दोस्तों 2 से 2.5 ग्राम का पंचमार्क, वो आपको 350 से 500 रुपये के बीच में मिल जाता है। लेकिन ये जो दोस्तों बड़ी शेप के पंचमार्क होते हैं, ये थोड़े महंगे आते हैं दोस्तों। ये वाला सिक्का दोस्तों आपको 2 से 2.5 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा। बाकी ये वाले जो तीनों सिक्के होते हैं दोस्तों, ये भी आपको 2,000 के आसपास एक कॉइन मिलेगा। ये दोस्तों एक्चुअली ऑक्शन में बिकते हैं सिक्के, और ये एग्जीबिशन ऑक्शन में ही मिलते हैं या किसी अच्छे कॉइन कलेक्टर के पास ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों एंशिएंट कॉइन है, काफ़ी पुराने हैं, 2000 साल 2200 साल पुराने हैं, तो इजीली अवेलेबल दोस्तों नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो डालूंगा सिक्कों से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी जो भी भविष्य में मैं वीडियो डालूंगा उसका मैसेज आपको मिल पाएगा और आप मेरी वीडियो इजीली देख पाएंगे। तो अगर आपको भी पुराने सिक्कों की जानकारी का शौक है या आपको भी पुराने सिक्कों का कलेक्शन करने का शौक है, तो दोस्तों आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ पुराने सिक्कों से रिलेटेड। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों आज यही खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।